हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन एंड आप देख रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 7। आज हम बनाने वाले हैं बी फार्म। तो हम अपने फार्म की लोकेशन पर आ चुके हैं एंड मैंने ये काफी सारा एरिया क्लियर कर दिया था। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, थोड़ा करने निकलने के लिए भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। तो हम फटाफट ये डर्ट को तोड़ते हैं एंड हमें चेस्ट लगानी है। तो चेस्ट मेरे पास है नहीं, तो हम फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल लेते हैं एंड क्राफ्ट कर लेते हैं। तो फटाफट मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस मारता हूँ एंड मेरे पास वुड ना सल्का बॉक्स में है, तो मैं सल्का बॉक्स निकालता हूँ एंड वुड निकालता हूँ। देन मतलब चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फटाफट हम चेस्ट क्राफ्ट कर लेते हैं। 8 चेस्ट मैंने क्राफ्ट कर ली एंड अब हम यहाँ पर चेस्ट प्लेस मार देंगे। तो एक चेस्ट से दूसरी चेस्ट भी मैंने कनेक्ट कर दी। ओके, तो फटाफट पीछे ही डर्ट उठाएंगे, हमें लगाना है पीछे हॉपर। तो मैं फटाफट से हॉपर लेने हैं मेरे को, तो मैं फटाफट हॉपर लेता हूँ एंड चेस्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने हॉपर लिए एंड इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। चेस्ट पे प्लेस मारना है शिफ्ट दबा के। ओके, मैंने कर दिया फटाफट से। एंड हम ना थोड़े चेस्ट एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं, तो फटाफट हम चेस्ट और लेते हैं एंड उसे लगा देते हैं। तो हमें पहले हॉपर लेना है और हॉपर कनेक्ट करना है। हम इसके ऊपर भी एक और चेस्ट लगाने वाले हैं, तो 3 हो जाएंगे, डबल 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 चेस्ट 3 काफी हो जाएंगे। ओके, हम अब हॉपर लगाने वाले हैं, तो फटाफट हॉपर लेते हैं और हॉपर कनेक्ट कर देते हैं। अरे लग जाओ। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब हमें आगे लेके जाना है। मेरा प्लान अभी तो फिलहाल मेरे सामने की तरफ बनाने का है, तो मैं फिलहाल इसी साइड कर देता हूँ। राइट साइड बनाने का प्लान है, तो राइट साइड कर देता हूँ। ओके, तो फटाफट राइट साइड में सारे हॉपर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैं काफी लंबा बनाने वाला हूँ, जैस इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन रेड स्टोन का है ना, तो काफी मस्त वर्क करेगा और काफी ज्यादा हमें अर्निंग मिलने वाला है, तो वो दिक्कत की बात नहीं है। और ये गलत लग गया, तो फटाफट मैं तोड़ के से भी परफेक्ट लगा देता हूँ। ओके, ये परफेक्ट हो चुके हैं। वैसे 32 ऑपर थे, तो मैंने लगभग लगा दिए हैं 25 के अराउंड, तो लगा दिए 25 या 26 तो हॉपर लग चुके हैं मतलब लंबाई में। तो फटाफट हमें चाहिए, अरे यार हमें डिस्पेंसर चाहिए, और डिस्पेंसर के लिए हमें सामान चाहिए हो, तो मैं फटाफट से लेके आता हूँ। जो मेरे सल्का बॉक्स में है नहीं, तो मुझे लेके आने पड़े, तो मैं फटाफट लेके आता हूँ। आप लोग 2 मिनट वेट करिए। ओके, तो मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ एंड मैंने डिस्पेंसर बना लिया है। तो फटाफट हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने फार्म की लोकेशन पे। और मैं दूर से आ रहा था ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, जब हम सामने की तरफ हमारा वेस है पूरा, हमारा कासल उधर है और हम वी फार्म अपोजिट बना रहे हैं, तो हम इस तरफ ही बनाते हैं। तो फटाफट मैं तोड़ के ऊपर और देन दूसरी साइड कनेक्ट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड वाली, मतलब अभी तो राइट है फिलहाल, और राइट साइड वाले कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं फटाफट इन सारे हॉपर को तोड़ के दूसरी साइड लगाना है, बस सिंपल सा ये काम करना है। तो मैं फटाफट ये सारे के सारे तोड़ के एंड दूसरी साइड कनेक्ट कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ये फिनिश हो भी गए हैं, तो मैं फटाफट चल के सारे हॉपर कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास कितने हॉपर हैं फिलहाल, मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो रही है, तो मैं सो जाता हूँ जल्दी फटाफट, वरना कोई जॉम्बी आके क्रीपर आके फट जाएगा, फालतू का नुकसान कर देगा और काफी टाइम वेस्ट कर देगा। तो मैं फटाफट, गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड हॉपर लेके फटाफट हॉपर लगा देता हूँ। तो मैंने हॉपर लिए एंड मैं सारे के सारे हॉपर फिर, अरे यार उफ, बाद में तोड़ दूंगा भाई। अरे यार ये कितने अबे नीचे क्यों लग रहे हैं भाई, कुछ भी हो रहा है। चलो मैं फटाफट ये तोड़ देता हूँ अच्छे से, वरना ऊपर वाला टूट गया ना, तो फिर से भाई अलग ही उपाद हो जाएगी दिमाग का। चलो छोड़ो, रहने दो। ये फटाफट हम ऑपर तोड़ लेते हैं। ओके, सारे के सारे ऑपर टूट चुके। अबे यार मतलब टाइम खोटी करना ही करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बचा ही नहीं सकते हो। तो चलो हम फटाफट जाके ऑपर लगा देते हैं। ओके, मैंने ऑपर कनेक्ट कर दिया है, जल्दी से फटाफट हो जा।
ओके, ये सारे के सारे ऑफर कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, हो गए। और हम फटाफट चलते हैं आगे, आगे का काम पूरा करते हैं। तो फटाफट हमें पहले ऊपर लगाने हैं डिस्पेंसर। डिस्पेंसर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लगानी होगी पहले बोर्ड। वो बोर्ड मैंने ली नहीं है, तो मैं फटाफट यहीं से, ओके यहीं से चलकर बॉक्स में एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मैं फटाफट से बोर्ड लगाता हूँ। एंड अरे लगा, ओके शिफ्ट दबा के लगाना पड़ेगा वरना तो सीन हो जाएगा। ओके अब मुझे जंप करना पड़ेगा। अरे यार उफ, शिफ्ट दबा के ओके जंप किया एंड ये लगा दिया। ठीक है, नाइस, परफेक्ट काम हो चुका है। एंड अब हमें लगाते हुए जाना है पूरे पे बोर्ड, जिससे कि हम डिस्पेंसर को ना ऊपर कनेक्ट कर सके, नीचे को मुंह करना है डिस्पेंसर का, समझ रहे हो ना, कि चेस्ट की तरह वो हॉपर की तरफ मुंह रहे डिस्पेंसर का, जिससे कि डिस्पेंसर जब ना यहाँ पे हॉपर के ऊपर लगाएंगे हनी ब्लॉक, तो वो वहां से ना डिस्पेंसर ना ग्लास बोतल लेके ना वो हनी को भर पाए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं एंड अभी डिस्पेंसर हम सारे के सारे डिस्पेंसर लगा देते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है। ओके तो हम लेते हैं एंड लगा देते हैं। देखो नीचे की तरफ लगाना है, ऐसे हमें पूरे के पूरे कनेक्ट करने हैं जितने भी हैं। मैं 32 शायद मैंने क्राफ्ट कर लिया है, तो 32 लगा दे, 32 का बना देते हैं। तो हमें हॉपर भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत की बात है ही नहीं। और ये सारे के सारे कनेक्ट हो चुके हैं। ओके तो डिस्पेंसर थोड़े कम पड़ गए हैं, मैंने शायद 32 हॉपर कर दिए, तो मुझे फटाफट से थोड़े डिस्पेंसर और बनाने पड़ेंगे। तो सामान तो मेरे पास है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो फटाफट हमें वुड स्टोन चाहिए। पहले तो हमें एक वो बनानी पड़ेगी, दो तीन वो बनानी पड़ेगी, जितने कम है उतने हम वो बना लेते हैं। दो काफी है, दो से काम हो जाएगा, शायद दो ही है, तो हम फटाफट दो ही डिस्पेंसर बना लेते हैं। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, स्टोन चाहिए और रेड स्टोन चाहिए, सब कुछ है। तो फटाफट हम ये एक साथ क्राफ्ट होती नहीं है, एक एक करके क्राफ्ट करनी पड़ती है, बहुत मगजमारी है। तो फटाफट हम लगा लेते हैं। ओके ये लग चुके हैं, हमारे पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, डिस्पेंसर एकदम परफेक्ट लग चुके हैं। एंड हम आगे लगा देते हैं वुड, थोड़ा सेफ एकदम क्लियर हो जाएगा, दोनों साइड एक जैसा लगेगा ना, वुड से एकदम ढक जाएगा, हम इसको वुड से थोड़ा फिल। ओके तो मेरे हनी के ना चेस्ट थे ना वो, अरे यार ये और आ गए, ये रेड कर दी भाई। छी भाई अब इनको मारूंगा, रेड हो गए भाई, फिर सीन होगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं इनको फटाफट से मार देता हूँ। वैसे रेड ना मेरे कासल की तरफ होती है, इस तरफ होती नहीं, ये आ ही गए हैं, बट रेड होगी ना तो कासल की तरफ होगी, इस तरफ होगी नहीं तो इतना कोई सीन नहीं है, ये आएंगे और चले जाएंगे। अब मुझे लगा यहाँ पर है, कोई बात नहीं है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। हमें ये हनी के ना नेक्स्ट ना ये फटाफट हम लगा देते हैं। तो ओके ये हमें इस तरीके से लगाना है, ये इनमें स्पेस है ना बीच में, जिससे वी अंदर जाती है ना, वो हिस्सा इस तरफ करना है, जिससे वी ना इस इधर निकल पाए और इधर ही रह पाए। मतलब इधर हम फ्लावर वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दूर से देखने में फ्लावर वगैरह एकदम बहुत प्यारे लगे, एकदम मस्त, तो इसलिए ये करके एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा। ओके तो मैं फटाफट से ये सारे के सारे लगा देता हूँ, मेरे पास काफी है। वैसे मैंने सल्का बॉक्स में रखे हुए हैं, तीन इस सल्का बॉक्स में। ओके तो मैं फटाफट से लगा देता हूँ एंड ओके ठीक है, काफी काम हो चुका है। तीन बचे हुए हैं, नहीं, मेरे पास एक और सल्का बॉक्स है, यहाँ याद आया मेरे पास एक और सल्का बॉक्स होना चाहिए, उस सल्का बॉक्स में मेरे पास रखे हुए बाकी के। ओके इसमें नहीं है, नहीं है, एक और होगा। ओके अब ग्रे सल्का बॉक्स होगा, ओके ठीक है मिल गया। एंड ओके इसमें काफी सारे पड़े हुए हैं, तो दिक्कत की बात है ही नहीं हमें, तो हम फटाफट से ये लगा देते हैं। ओके तो ये भी, ओके यार शिफ्ट लगा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी वो है नीचे ऊपर दिस सीन हो जाता है। ओके तो फटाफट से मैं ये लगा देता हूँ, अरे खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एंड इन्हें भी लगा देता हूँ। ओके ये सारे के सारे अबे एक कम पड़ गया, वो भी मैं लाके लगा देता हूँ, उस कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ए, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम तो एग्जिस्ट हो जाता है, तो मैं फटाफट इसे लगा देता हूँ एंड फिर रेड स्टोन का बाकी का काम करते हैं। तो फटाफट ये लगा दिया, अब हमें करना है रेड स्टोन का काम, प्योर रेड स्टोन का काम, और कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ओके तो हमने वुड ले लिया है, काफी सारा वुड लेके मैं आ चुका हूँ एंड रेड स्टोन वगैरह भी ले लिया। तो फटाफट हमें एक
जो हमारे ना डिस्पेंसर के ऊपर वुड लगी हुई थी उसके जस्ट नीचे हमें वुड लगानी है, पूरे किनारे पे हमें एक लेयर लगा देनी है फिलहाल तो। ओके, तो मैं फटाफट से मैं सारी की सारी वुड लगा देता हूँ। ओके, हमें 32 का है तो 32 वुड लगानी पड़ेगी, तो मैं फटाफट एक एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ कि जिसको मैं बाद में थोड़ा सा फिल भी कर पाऊंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ किधर बोर्ड लगानी है। ओके, हमें शायद से अब हमें लगाने हैं कॉम्परेटर, तो कॉम्परेटर के लिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देख लेते हैं पहले कहाँ पे बोर्ड लगानी है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सीन हो जाएगा यार, ऐसे लगाऊंगा तो फिर तो सीन होगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को, मैं दिक्कत की बात है ही नहीं। ओके, इसको नीचे लगाऊंगा, हीन होगा। ओके ठीक है, इसको फिल करना है तो फटाफट मैं इसको फिल कर देता हूँ पहले तो। ओके, तो ये सारा का सारा मैंने फिल किया। अरे यार वुड खत्म हो गई, कोई बात नहीं, तो हम वुड लेके वुड एक बार फिर से लगा। अरे कोई बात नहीं, बाद में तोड़ दूंगा मैं पूरी वुड को। ओके तो एक्स लेके और मैं फटाफट से सारी की सारी बोर्ड जो एक्स्ट्रा लग गई है ना उस बोर्ड को तोड़ देता हूँ। ओके, तो ये सारा का सारा काम हो चुका है। ओके, तो फिलहाल तो एकदम ठीक लग रहा है मेरे को, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता नहीं बट डाउट हो रहा है ना थोड़ा सा। ओके, गड़बड़ तो लग रही है बट कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, तो पहले लगा के देख लेते। तो मैं फटाफट ये इस बोर्ड को भी लगा देता हूँ एंड देखते हैं फिर क्या सीन है आगे, वरना फिर तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इतने पे ही थोड़ा सा लगा के देख लेता हूँ, वरना बाद में थोड़ा सा सीन हुआ ना तो फिर हमें पूरा बोर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो हम फटाफट से पहले तो रेड स्टोन लगा देते हैं, ऊपर का काम कर देते हैं। तो हम लेते हैं फिलहाल रेड स्टोन एक, किसको? ओके, इस सबल को रख देता हूँ, इस सबल का थोड़ा सा यूज नहीं है तो मैं सबल को रख देता हूँ। तो फटाफट से हमें लगाना है रेड स्टोन, तो मैं लगा देता हूँ सारे 30 ब्लॉक पे रेड स्टोन लगाना। यार खत्म भी हो गया इतनी जल्दी, तो हमारे पास काफी सारा रेड स्टोन ब्लॉक पड़े हुए हैं मेरे पास, 30 ही खत्म होने वाले हैं, फिर उसके बाद रेड स्टोन माइन के लिए जाना पड़ेगा। डायमंड माइन करने जाऊंगा तो रेड स्टोन भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई सीन नहीं है ये। ओके ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये वाला मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्पेंसर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे क्यों ही लगाए, क्यों वेस्ट करें। इनको तोड़ना पड़ेगा, मुझे लग ही रहा था इनको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें लगाने हैं इस जगह पे कॉम्परेटर, और कॉम्परेटर फिर कनेक्ट होंगे नहीं ना ढंग से यहाँ पे, तो कॉम्परेटर होंगे, कॉम्परेटर का हमें एक इसको आगे बढ़ाना ही है, एक रेड स्टोन आगे बढ़ेगा ऊपर से लिया फिर नीचे एक कॉम्परेटर, तो फिर ये सीन तो गलती हो गया ना। कोई बात नहीं, हम इसे फटाफट से तोड़ के एकदम ठीक कर देते हैं। एक सेकंड में काम टूट गया सारा का सारा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ओके, ये भी तोड़ना पड़ेगा क्या, पता नहीं, मैं तोड़ देता हूँ यार, मेरी थोड़ा सा डाउट में। कोई बात नहीं, हम तोड़ के एकदम परफेक्ट देख लेते हैं क्या ही सीन है। ओके, एक बार फिर से एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं कुछ मैं गड़बड़ कर तो नहीं रहा हूँ, फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो तोड़ ही देते हैं, वो जो होगा देखा जाएगा। तो फटाफट मैं ये तोड़ता हूँ, देन हमें ना एक नीचे लगाना है, ये वुड है ना वो एक नीचे लगाना है, तो मैं वो भी बाद में कर दूंगा। तो फटाफट हम मैं पहले सो जाता हूँ, वरना क्रीपर आया ना और इतनी मेहनत की है ना वो एक सेकेंड में बर्बाद करके चला जाएगा। ओके, तो हम फटाफट से एक नीचे बोला था ना सारे के सारे बोर्ड को हम लगा देते हैं, तो फटाफट हम इन्हें लगाते हैं, सारे 32 है तो 32 पे हमें लगाना है, तो मैं फटाफट से ये लगा देता हूँ। छोटा भी बनाओगे ना काफी मस्त वर्क करेगा, आपको जितना अच्छा लगे ना उस हिसाब से बना ले, छोटा बनाना है छोटा, बड़ा बनाना है बड़ा, इससे और भी बड़ा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई सीन नहीं है। तो मैं फटाफट ये बोर्ड आगे लगा देता हूँ क्योंकि उधर आएगा कॉम्परेटर, तो हमें आगे इस पे कॉम्परेटर लगेगा, इस पे कॉम्परेटर लगेगा वो तो उसके फिल हो ही जाएगा ना, तो हमें उसे फिल भी मारना पड़ेगा। तो मैं पहले वुड ले ले कॉम्परेटर ले लेता, तो कॉम्परेटर लगाना है ना हमको, तो मैं फटाफट से कॉम्परेटर लेके कॉम्परेटर सारे के सारे लगा देता हूँ एंड हमें ऊपर चलना है, ऊपर वे सामने से ही चला जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे तोड़ता हूँ देन ऊपर आराम से आ चुके हैं हम एंड हमें सिंपल इस पे कॉम्परेटर रखना है, तो कॉम्परेटर फटाफट से। अरे यार सीन थोड़ा सा
जंप कर करके लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे करके लगा देता हूँ, एक थोड़ा सा पीछे रहूंगा ना तो वैसे ही लग जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, ये भी कनेक्ट हो चुका है, ये भी कनेक्ट, एकदम परफेक्ट एंड नाइस, एकदम परफेक्ट, अभी तो काम चल रहा है। ओके, एकदम परफेक्ट, एक भी गलत नहीं लग रहा है और एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं एकदम से। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कंपैरेटर तो एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं, लेकिन जो हमने बोर्ड जो तोड़ दिए ना, वो मुझे डाउट में डाल रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर बोर्ड नहीं लगी तो ये कंपैरेटर काम करेंगे, लगता तो नहीं है, बट वो देख लेंगे अभी। ओके, तो चलो हम यहाँ पे बोर्ड प्लेस करनी ही है, वरना ये कॉम्परेटर वर्क ही नहीं करेगा ना। तो हम फटाफट से बोर्ड ये लगाते हैं, वो जो होगा देखा जाएगा। तो मैं फटाफट से बोर्ड लगाता हूँ, देखो करंट भी आया, वो करंट का पता नहीं है क्या सीन है और हमें क्यों नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो फटाफट से मैं सारे में बोर्ड लगाता हूँ, ये थोड़ा सा ऑन ऑफ करके देखते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इनमें क्यों नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बाद में देखता हूँ, पहले बनाते हैं सारा, फिर देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, वो बाद में सीन है। बट मैंने अपने दूसरे वर्ल्ड में तो बना के देखा था, वर्क कर रहा था, बट कोई समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से लगा के देखता हूँ, ये ऑन, पता नहीं ये ऑन क्यों हो रहे हैं, ऑफ रहने चाहिए बाद में ऑन। चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट आगे का काम करता हूँ। तो हमें फिलहाल यहाँ के तोड़ के देखता हूँ। ओके, इसको तोड़ा, बंद हो गया, इसको तोड़ा, बंद हो गया, कहीं तोड़ना तो नहीं है इन दो, मैं तोड़ देता हूँ, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर वर्क नहीं करेगा ना तो इस हिसाब से जोड़ दूंगा, फिर से लगा के देखूं। ये अबे यार ये चालू हो गए, क्या ही सीन है इनका। मैं फटाफट, अरे यार मैं आगे वुड लगाता हूँ एंड हमें रेड स्टोन लगाना है, तो मैं फटाफट रेड स्टोन का भी काम कर ही देता हूँ साथ ही साथ में। तो मैं फटाफट से सारी की सारी वुड लेता हूँ एंड रेड स्टोन लगाना है हमें वुड के ऊपर। तो मैं फटाफट यहाँ पे ये वुड लगा देता हूँ एंड यहाँ पे, अरे यार भाई नीचे बोल रखा। ओके, ये भी सीन हो गया एंड हमें लगाना है पूरे पे रेड स्टोन डस्ट। तो मैं फटाफट से रेड स्टोन डस्ट पूरे पे लगा देता हूँ एंड ये सारे के सारे पे लगाते हुए, 32 पे लगाना, तो 32 पे हम लगा दे। ये करंट आ रहा है, ये थोड़ा सा डाउट में मेरे को लेके जा रहा है कि इनमें मतलब उसी कॉम्परेटर में करंट क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये दो कॉम्परेटर का दो में ही करंट आ रहा है, बाकी के करंट, ये साउंड आ रहा है क्या, बी आई है, बी आई है, पता नहीं कुछ सीन है, बी आ चुकी है इनके अंदर, तो वो देखी जाएगी। बी आ चुकी है तो अच्छी बात है ना, हमारा फार्म थोड़ा सा वर्क कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक वी तो आएगी ना। तो हम पहले फिलहाल ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलने के लिए क्या करूं, अरे दी यहाँ से यार नहीं चढ़ पाऊंगा बे, ये तो ज्यादा ही ऊपर हो गया, डस्ट के ऊपर लगाऊंगा तो वो ऊपर ही जाएगा ना, सिंपली मैं किनारे पे लगा देता हूँ। अबे यार सिंपल किनारे पे लगा रहा हूँ, किनारे पे लग जाना एक बार में। ओके, ये परफेक्ट लग चुका है, तो हम फटाफट से ये ऊपर आ चुके हैं, अब हमें लगाना है वुड। तो हम फटाफट से वुड लगाते हुए चलते हैं आगे की तरफ, ये पूरे पे 32 ब्लॉक्स पे ना हमें लगाना है वुड। तो मैं फटाफट से वुड लगाता हूँ देन उसके बाद हमें या रेड स्टोन भी लगाना है, तो वो भी लगा देंगे। तो मैं पहले फिलहाल बोर्ड लगाता हूँ, तो सारे पे हमने बोर्ड लगा दिए, अब हमें लगाना है यहाँ से रेड स्टोन। तो फटाफट हमें रेड स्टोन लगाते हुए जाना है, तो मैं एकदम से स्पीड में भागते हुए चलते हैं, रेड स्टोन अपने आप लग, अबे यार रेड स्टोन खत्म हो गया, हमें फिर से क्राफ्ट करना पड़ेगा, मैं सारा का सारा ही क्राफ्ट कर देता हूँ। बार बार की झंझट में थोड़ा सा क्राफ्ट कर रहा हूँ, परेशानी दे रहा है। ओके, तो फटाफट से हमने सारा का सारा रेड स्टोन क्राफ्ट करके और ये भी फिल कर दिया है। ओके, तो मैं नीचे आ चुका हूँ एंड हमें लगाने हैं आप प्लैंक्स। तो मैं फटाफट से प्लैंक्स लगाना है, तो मैं एक आगे इस पे लगा देता हूँ डर्ट पे, और ये लगाते हुए जाना है हमें प्लैंक्स आगे के लिए, क्योंकि हमें करंट ऊपर तक पहुंचाना है। अरे यार ये गलती लग गई, तो हम इसको तोड़ के दोबारा से प्लैंक्स लगा देते हैं। तो हम आराम आराम से चलते हैं, वरना फिर से कहीं डबल लग जाएगा और फिर तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो वीडियो बड़ी होती जाएगी। तो फटाफट से हम जितना टाइम, अरे यार टाइम बचाने के चक्कर में टाइम और खोटी हो गया, कोई बात नहीं है, हम इसे फटाफट से तोड़ के, और दो ही बचे हुए हैं, दो तीन ही है, तो फटाफट दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से मैं प्लैंक्स
लेता हूँ एंड उसे लगाते हो थोड़ा नीचे देख के, नहीं फिर अभी की तरह सीन हो जाएगा। ओके, तो ये फटाफट सारा का सारा काम हो चुका है, हमें इसे करंट को ऊपर पहुंचाना है। तो एक फ्लोर हुआ है, तो यहाँ से तो करंट पहुंचने वाला नहीं है। फिलहाल मैं ऊपर चल के देखता हूँ क्या सीन है। ओके, ये काम हो चुका है, यहाँ से तो पहुंचने वाला नहीं है करंट, डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं, हमें और प्लैंक्स लगाने पड़ेंगे, आगे की साइड प्लैंक्स लगाने पड़ेंगे। ओके, अब पहुंच जाएगा इजीली करंट, तो मैं फटाफट से प्लैंक्स लगाता हूँ, देन हमें इस पूरे पे ना रेड स्टोन लगाना और कोई काम करना नहीं है। तो मैं फटाफट से फिल कर मिलता हूँ आप लोगों को 2 मिनट में। ओके, तो सारा का सारा काम फिनिश हो चुका है हमारा, एंड मैंने सारा का सारा रेडस्टोन डस्ट लगा दिया एंड पूरा का पूरा फार्म बन चुका है। बस मैं फ्लावर लगाना है, तो मैं फटाफट से चारों तरफ फ्लावर लगा के आप लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट में, जब तक आप। ओके, तो मैं ग्लास बोतल लेके आ चुका हूँ क्राफ्ट करके, देन हमें ग्लास बोतल को इसमें प्लेस मारना है। तो किसी में भी ब्लॉक मारना है, मैं जिसमें हनी ब्लॉक है उसमें प्लेस मारता हूँ, जिससे पता पड़े हनी आ रहा है कि नहीं। तो हम फटाफट से इनको ना पूरा फिल करना है, किसी एक में पूरे नहीं रखना है, नहीं तो ना डिस्पेंसर, जब हनी को मतलब हानि भरेगा ना, तो डिस्पेंसर में वो हानि वाला वो आ जाएगा, वो ना चेस्ट में नहीं जाएगा। तो हमें ना ये पूरे के पूरे फिल करके रखने हैं, जैसे स्पेस नहीं बचेगा तो डिस्पेंसर कैच नहीं करेगा, तो वो ड्रॉपर कैच कर लेगा, और सॉरी ड्रॉपर नहीं, हॉपर कैच कर लेगा और हॉपर ना चेस्ट में पहुंचा देगा। तो हमें सारे के सारे फिल करके रखने हैं, चाहे जितने भी लगाओ, लेकिन ये सारे के चाहे एक एक लगाओ पूरे में, तो सारे के सारे में एक एक फिल करके रखना है, यही हमें पूरे में करना है, ठीक है। चाहे आप 64 भी रख सकते हो, 64 64, लेकिन सब में पूरे के पूरे में रखना, वरना हनी इसमें आने लगे डिस्पेंसर, बस इस बात का ध्यान रखना और कोई दिक्कत की बात। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट करता हूँ एंड थोड़ा सा वेट करके देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को 2 मिनट में मिलता हूँ। ओके, तो काफ़ी टाइम हो चुका, मैंने सारा का सारा सजावट भी कर दी है एंड ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ हमें कितना सारा हनी मिल चुका है अभी तक। ओके, तो ये हमें काफी सारा मिल चुका है एंड आप लोगों को बता दूं कि हमने पीछे जो 2 वुड तोड़ी हुई थी ना कॉम्परेटर लगाते हुए, उनको वहीं पर लगा देना है। वो इसलिए ग्लो कर रहे थे कॉम्परेटर, क्योंकि ना जिस भी नेक्स्ट में ना हल्का सा भी हनी आ जाएगा ना, वो ग्लो करने लगेगा। तो जैसे ही सब में आने लगा, वो ग्लो करने लगा, तो मुझे समझ में आ गया। और जैसे ही ना बोतल भर ले मतलब डिस्पेंसर बोतल भर लेता है और उसमें हनी खत्म हो जाता है ना, तो वो फिर से बंद हो जाएगा, और जब फिर से हनी आ जाएगा ना, तो वो फिर से वर्क करने लगा। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जिससे कि ना बोतल अपने आप ना ये डिस्पेंसर में लग जाए, मैं वो बार बार इनमें लगाना ना पड़े, मैं काफी सारी बोतल एक साथ भर दिया करूंगा कि सब में ऑटोमेटिक फुल रहा करेगा। तो मैं फटाफट से ये सारा का सारा सिस्टम बना देता हूँ, और नहीं तो मैं अपने हाथों से भी कर पाऊंगा, अगर किसी में नहीं जाता है ना प्रॉपरली, हर एक में नहीं जाता, तो मैं वो भी कर दूंगा बाद में। तो मैं फटाफट से इस पे चढ़ के एंड देन इस पे पूरे पे रेल लगानी है, तो मैं वो भी काम कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड 23 मिनट की हो चुकी है, तो मैं फटाफट ये स्केप कर देता हूँ, ये मैं पहले भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना अगर ये सीन देखना है आप लोगों। मैं आप लोगों को एक बार कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप जस्ट थोड़ा सा वेट किए, मैं आप लोगों को स्किप करके अभी मिलता हूँ तो। ओके, तो ये सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ के पूरा का पूरा व्यू। ये मैं सिर्फ बटन चालू करूंगा एंड ये काम करने लगेगा, तो उसकी दिक्कत वो है। ओ, हमारे पास कितनी सारी हनी बोतल आ चुकी है अभी तक, कितना सारा हनी एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप लोग भी एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा कि एक
बार बना के जरूर ट्राई करिए, बहुत एकदम मस्त काम करेगा। रेडस्टोन का हल्का सा भी बना लोगे ना, 4-5 का भी ना, वो भी एकदम मस्त वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड सायोनारा।